मनीषा रानी के लिए एल्विश और फुकरा इंसान में से कौन सही कौन गलत है? मनीषा हालांकि उस वक्त तो कन्वर्सेशन में बोली नहीं थी, पर मनीषा से पूछ लिया एल्विश और फुकरा ने कि भाई तेरे अंदर क्या सब चीजें चल रही है बता दे। मनीषा ने भी काफी ओपन हार्ट से जो है उनकी अपने दिल में जो चीजें चल रही थी वो बताई है। दोनों को ही वो सही मानती है। उनका कहना, मनीषा का कहना ये है कि जैसे कि तुम हर एक जगह पर अपने पॉइंट ऑफ व्यू नहीं देते हो, सोचते हो, समझते हो, ये तुम्हारा नेचर है, तुम एंटरटेन करते हो, तुम ऐसी सब चीजें करते हो। अभी अभिषेक जो है, अभिषेक को जहां पर गलत लगता है वो उसके लिए आवाज उठाता है, वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखता है, अपनी बात रखता है, तो वो भी अपनी जगह पर ठीक है। मतलब कि तुम्हें उसके ऊपर उंगली नहीं उठानी चाहिए, उसको तुम्हारे ऊपर उंगली नहीं उठानी चाहिए। जहां पर दोनों भाई यही बात बोलते हैं कि नहीं, हम लोग एक दूसरे के ऊपर ऐसा उंगली नहीं उठा रहे हैं। एल्विश बोलते हैं कि भाई मैंने ये बात बोली भी नहीं है कि भाई तुम गलत हो, मैंने बोला कि ये मेरा पीओवी है, ये मेरा नजरिया है, ये मैं हूं। अगर मैं ये नहीं रहूंगा तो मैं फिर कोई और रहूंगा, तो वो मैं नहीं होऊंगा। तो ये चीज सुन के भी जो है मनीषा समझती है, और मनीषा की नजर में भी ये दोनों अपनी अपनी जगह पर सही है। सही बात है, दोनों अपनी अपनी जगह पर सही है। कोई भी किसी के ऊपर ऐसा उंगली नहीं उठा सकता है। और किसी का नेचर होता है कि कोई बंदा बोलता है, कोई बंदा नहीं बोलता है जब तक उसके ऊपर नहीं आए। किसी के पेशेंस लेवल ज्यादा होते हैं, किसी के पेशेंस लेवल ज्यादा नहीं होते। जैसे कि मेरे पेशेंस लेवल भाई ज्यादा नहीं है। अगर मैं सामने कुछ होते हुए देखती हूँ, या मैं एक्चुअली मैं रोड पे भी जा रही हूँ, अगर मैं कुछ गलत देखती हूँ होते हुए, तो मैं खुद उसमें चली जाती हूँ और मैं खुद उस चीज को रोकती हूँ और समझती हूँ कि भाई क्या हुआ है। ये तो एक्चुअली में रियलिटी शो है, मैं आम जिंदगी में भी ऐसा करती हूँ, ये मेरा पीओवी और मेरा एक्चुअली में पर्सनैलिटी है। आपकी भी ऐसी कोई पर्सनैलिटी होगी। आप बताइए कि मनीषा ने जो बातें बोली है वो आपकी नजर में सही है या गलत है। इसी के साथ मैं लेती हूँ इजाजत। नमस्कार।